शाजापुर तहसील काला पीपल के ग्राम खरदोन कला में उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण 100% महाभियान के तहत वैक्सीनेशन किया गया। पात्र हितग्राही कोरोना का फर्स्ट डोज प्राथमिक उनके घर जाकर वैक्सीन टीका लगवाया जा रहा। वहीं बता दें, डॉक्टर वसीम ने कहा कि 200 डोज प्राप्त हुए, घर घर जाकर वैक्सीनेशन टीकाकरण अच्छे से किया जा रहा। वैक्सीनेशन शीघ्र पूर्ण अधिक से अधिक लगवाए ताकि बीमारी से लड़ सके। वहीं विष्णु प्रसाद पाटीदार ने बताया कि पात्र तीन हितग्राही विकलांग को वैक्सीन का फास्ट डोज लगवाया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता श्रीमती रानी विश्वकर्मा, रजनी चौहान, गिरजा मालवीय, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉग नीरज द्विवेदी, रोको टोको अभियान के तहत लोगों को प्रेरित किया जाएगा। प्राइम टेक न्यूज चैनल के लिए मुकेश सक्सेना। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मेरे से बोला है कि गुरु आपके यहाँ वैक्सीनेशन जो चल रहा है, अभी सेकंड डोज काफी लोगों के बाकी है, कृपया आप उसमें ध्यान देकर और लोगों से बोलकर और वैक्सीनेशन करवाए। तो आज करीबन यहाँ पर 200 डोज आए थे, जो वासिम भाई और यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब मौजूद है, आशा के कार्यकर्ता मौजूद है और हमारे आदरणीय कालेबल से भी मौजूद है। सबके सहयोग से आज 200 डोज लग चुके हैं और तीन हमने विकलांग लोगों को भी डोज घर जाकर लगाए हैं, उसका प्रमाण हमारे पत्रकार महोदय के माध्यम से न्यूज चैनल पर जाएगा। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अग्रिम बोल रहा हूं कि कल और वापस वैक्सीन आए और सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगाया जाए। लगभग 200 डोज लग चुके हैं, जिसमें सभी ग्रामीणों का हम लोग का सहयोग रहा और आज हम लोगों ने घर घर जाके भी वैक्सीनेशन करा है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने काफी सहयोग किया और ग्रामीण लोगों ने उनका भी काफी सहयोग मिला और हम लोग का मतलब अभी फोकस ये है कि सभी ग्रामीणों को और आसपास के जितने भी लोग हैं सबको कोविड वैक्सीनेशन का संपूर्ण डोज लग जाए और सभी इस बीमारी के विरुद्ध हम लोग सुरक्षा कवच बना सकें। धन्यवाद।